सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आर एस के एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ कोडिंग में। सो फ्रेंड्स, हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ व्यूअर हमसे नाराज थे कि उनका कहना था कि आप इंटर्न के लिए आप वीडियो नहीं बनाते हैं, आपका जो आपका क्यू ए सेशन है उसमें आप कुछ बात नहीं करते हैं। तो ये जो वीडियो है उनके लिए स्पेशली मैंने उनके लिए बनाया है, और उनका जो कुछ डाउट रिलेवेंट डाउट है होना भी चाहिए, लोगों को डाउट होना भी चाहिए। सर, उनका एक कॉमन सा डाउट था कि जैसे जो भी लोग इंटर्न के बेसिस पे ज्वाइन करते हैं डेलाइट को या किसी भी कंपनी को, तो एक साल का होता है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो एम्प्लॉय जो किसी भी कंपनी को जो ज्वाइन करते हैं, सो उनका क्या कंफर्म होते हैं या फिर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, क्या है मतलब, ठीक है। सो इस पर हम चर्चा करेंगे साथ में। जैसे कुछ हमारे दोस्त ने यहाँ पर बात किया था कि जो पर्क बेनिफिट है क्या वो इंटर्न या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। सो इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि अगर जो भी पर्क और बेनिफिट्स की, अगर मैं जैसे मैं डेलाइट में हूँ और मैं डेलाइट की बात करूँ, तो यहाँ पे जैसे जो भी इंटर्न लोग हैं उनको यहाँ पे पर्क में ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। सिर्फ यहाँ पे आपको वाईफाई क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आप जो वाईफाई का जो भी अमाउंट है, यानी कि जो 1500 रुपये मिलता है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बेनिफिट्स है, जैसे कि आपको मोबाइल रिइंबर्समेंट प्लान हो गया, हाइब्रिड प्लान हो गया, बिल बिंग सब्सिडी प्लान हो गया, जो भी डेलाइट का जो पर्क एंड बेनिफिट्स है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पे मैं अब पॉइंट पे आता हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे जो आपका वाईफाई का जो रीइंबर्समेंट प्लान है सिर्फ आपको ये मिलता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब पर्क की बात करें तो। सो गाइस, अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि एक साल के बाद क्या होगा, यानी कि आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलेगा या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। सो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे डेलाइट में अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि यहाँ कल्चर क्या है, ठीक है। बट मैं जहाँ पे मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था वहाँ पे मैं भी एक एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर हायर हुआ था एक साल के लिए। बट वहाँ पे मैं विद इन 4 मंथ, यानी कि 3 महीना कुछ दिन के अंदर ही एज ए मैंने परमानेंट एम्प्लॉय हो गया था। सो वहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे कि मेरा जो परफॉर्मेंस था थोड़ा सा उनको सही लगा था, मतलब अब वो उन लोग जज करते हैं, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट वहाँ पे मैंने अपना आउटपुट भी दिया था, क्योंकि देखिए एक डर बना रहता है कि एक साल के बाद क्या होगा, और जो कोविड का सिचुएशन था आप समझ ही सकते हैं। तो हमने मेहनत भी अच्छा अच्छा खासा मेहनत भी किया था। सो वहाँ पे मैंने लगभग 3.5 महीना में वहाँ पे मेरा जो कन्फर्म हो गया था, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एज ए फुल टाइम एम्प्लॉयर बन गया था। सो अगर मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी, जैसे कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, चाहे वो आप डेलाइट में हैं, चाहे वो किसी और भी कंपनी में है एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर हैं, चाहे वो आप एक इंटर्न हैं, ठीक है। सो अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहता है तो वहाँ पे आपको रख लिया जाता है, इसलिए ताकि देखिए अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा, अगर आपका एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो देखिए कोई भी नहीं चाहेगा, जैसे आपका भी कंपनी रहेगा तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आप किसी नया एक फ्रेशर बंदा को हायर करें, उसको चीज़ों को शुरुआत से सिखाएं। देखिए सिखाने में वहाँ पर थोड़ा सा आपको वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, फ्रेशर को। देखिए आप कंपनी के लिए आउटपुट तब देना शुरू करते हैं जब आपके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है। जब आप फ्रेशर एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपको कंपनी अप्रॉक्स 4 से 5 महीने 6 महीने तक आपको आपके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करता है, आपको वो चीज़ों के सिखाने में आपका वो पैसा सिर्फ देता है, चीज़ों को आपको सिखाता है और सैलरी भी देता है, ठीक है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं एक फ्रेशर को हायर करूं आपके पोजीशन के लिए। हाँ, अगर आपका जो परफॉर्मेंस है डम रहा, ठीक है, यानी कि ख़राब रहा, तो फिर आपको रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, यानी कि आपको निकाला जा सकता है। सो मेरे ख्याल से ये जो सारा जो चीज़ है, यानी कि जो आपके जो कन्फर्मेशन जो आपका डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, मेनली इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा कुछ और भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा, और आपका अगर कमेंट रिलेवेंट रहेगा तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।